हेलो एरिस पीपल, मैं हूँ शिवांगी टैरो रीडर। आपके लिए लेके आए हूँ इस वीक की रीडिंग। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जिनसे भी रेजोनेट होते हैं उन्होंने प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले आपके लिए इस वीक के लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडलाइन आती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, ये कह रहा है कि आपके लिए कुछ तो भी ब्रिलियंट आइडिया है आपके पास में, और आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, ठीक है। जिनसे भी बात करना है आपको, आपके प्रोजेक्ट के लिए बात करना है, कहीं पर भी आपको जाना है, तो कुछ रिलेशन में आपको बात करना है, तो क्लियर आपका कम्युनिकेशन क्लियर रखे, जिससे आपके दिल की बात सीधा सीधा आगे वाले पर्सन को आपको कहना है, यही यहाँ पर है, ठीक है। और आपको जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो आपके निकल जाएंगे, आपकी डिफ़िकल्टीज दूर होते जाएंगे, ठीक है। एंजल्स की तरफ से यही गाइडलाइन आई है। और बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन। आप लोगों को थोड़ा मेडिटेशन करने की वो बहुत ज़रूरत है एरिस पीपल, ठीक है। अलाउ योरसेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। खुद के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, जहाँ पर यहाँ पे आपको क्लियर बात करनी है, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है। पर कम्युनिकेशन कैसे करना है इसके लिए थोड़ा सा आप खुद को देखो, खुद को क्या बात करनी है ये पहले ठान लो, फिर ही आगे बढ़ो, लाइक दिस एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है और मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज आपके थॉट्स प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से ही ये गाइडलाइन आई है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। थोड़ा शांति में रखिए, मेडिटेशन म्यूजिक वगैरह ऐसा कुछ सुन के थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, ठीक है। एरिस पीपल, आपके लिए यहाँ पर मैं वीकली रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी, थैंक यू व्यूअर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स। हम इसे क्लैरिफाई करेंगे, आपके जो ये कार्ड्स आए हैं इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। पहले क्लैरिफाई करेंगे टेन ऑफ पेंटिकल्स को। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई द टेन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, और यहाँ पर आया था फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके बहुत पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ में आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और द हाई प्रिस्टेस। डेथ एंड रिवर्ट के साथ में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द हैरोपेंट। गाइज, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस में से लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं इस वीक में, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिनसे रेजोनेट होती है उन्होंने ही प्लीज़ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये सिचुएशंस दिख रही है कि आपने बहुत पेशेंस रख के आपके करियर की तरफ आपने बहुत अच्छा अप्रोच किया है,
राइट नाउ आप यहाँ पर 10 of Pentacles की एनर्जी आई है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, आपकी करंट सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर आपकी यहाँ पर करंट सिचुएशन है कि आप फैमिली के लिए कुछ प्लान बनाना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, समथिंग न्यू आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, और आप वहाँ से जहाँ पर शायद आप रहते हैं, आप मुझे ऐसा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी के साथ में द वर्ल्ड का कार्ड आया है और 10 of Pentacles का, तो यहाँ पर यही यही गाइडलाइन आ रही है कि शायद आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ऐसे लेना चाहते हैं या खुद का घर लेना चाहते हैं, जिससे आप वहाँ पर अपनी जगह बदलोगे और अपनी एक नई दुनिया, एक नया स्टार्ट वहाँ से करोगे, ऐसे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप जो है कि आप ना जो डिफ़िकल्टीज से मीन्स डिफ़िकल्टीज जब आती है तब आप खुद ज़्यादा खुद इनर वर्क करते हो आपके खुद के लिए, ना कि दूसरे के ऊपर ब्लेम करते बैठते हो, ये यहाँ पर आपकी क्वालिटी नज़र आ रही है। और स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को ही कभी कभी ज़्यादा ब्लेम करते हो, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट आप ना दूसरों से फाइट करना पसंद नहीं करते हो, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और आप सीक्रेट छुपाना चाहते हो कि आपके सक्सेस की सीक्रेट क्या है, या कुछ भी आपकी फैमिली की जो भी सीक्रेट्स हैं आप छुपाना चाहते हो कि ये किसी को ना पता चले, या आप पास्ट लाइफ किसी को पता ना चले, ऐसा आपको ऐसे लगता है। और उसके लिए आप वहाँ जहाँ पर भी रहते हो, किसी ने कुछ बात भी छेड़ दी आपके साथ में पास्ट लाइफ की, तो आप वहाँ से चुपचाप से निकल जाते हो, ये एनर्जी आपके लिए है। और वही आपकी स्ट्रेंथ है कि आप बैक, आपका जो पास्ट लाइफ है आप कभी भी रिकॉल नहीं करते हो, ना उसको याद करते हुए बैठते हो, ठीक है, बैठे तो खुद अकेले में, ना कि सबके साथ में वो डिस्कस करना, अपनी पास्ट लाइफ निकालना, ऐसी आपको आपकी एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। और वही स्ट्रेंथ है, और उसी स्ट्रेंथ को आपको कंटिन्यू रखना है, जिससे आपको एक अच्छा आगे प्रोग्रेस मिलते हुए दिखेगा। यहाँ पर गाइज आपके जो यहाँ पर ब्लॉकेजेस कहे, या कुछ ऐसा कहे कि जिससे आपको ऐसे लग रहा है कि आप ना किसी से बात करना चाहते हैं, यहाँ पर शायद आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप किसी से तो भी सीधा सीधा बात करने चाहते हैं कि आपको कहीं और जाना है, मूव ऑन होना है, आपको आपकी दुनिया चेंज करनी है, इसलिए आपको बात करनी है, बट आप वहाँ पर डेयर नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर गाइडलाइन यही आ रही है कि देखिए आप ना, आपका यहाँ पर कार्ड आया है डेथ एंड रिबर्थ का, तो यहाँ पर आपकी नई दुनिया स्टार्ट होने वाली है, न्यू जो भी आप न्यू करना चाहते हो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आप ना अपने थॉट्स को सोच कर एक प्लान बनाया है आपने, और वो फ्यूचर में आप करना चाहते हो, एग्जैक्ट वही करना चाहते हो, और आप यहाँ पर अपने हाई जो भी गोल्स हैं आपके जीवन के, उसको आप चेंज करना चाहते हो कि आप ये लाइफ चेंज हो जाए, मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, ऐसा आपका दिल कह रहा है, और आपको जाना है, आप जाने के लिए इच्छा कर रहे हो, पर आप वहाँ पर शायद किसी को बता नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से ये यहाँ पर ब्लॉकेजेस आया है। तो यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस आपको निकालना है, आपको सीधे सीधे क्लियर कट, देखो शायद इसलिए सबसे पहले यही कार्ड गाइडलाइन यही आई थी, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडलाइन आई थी कि आपको कम्युनिकेशन करना है, माय गॉड, और आप बहुत सारे थॉट्स कर रहे हो, मैंने कहा ये गाइडलाइन परफेक्ट आई थी आपके लिए, ठीक है, यही रीडिंग में आ रही है, सेम गाइडलाइन है, मैच हो रही है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये मैच नहीं हो रही है, ठीक है। आपको नींद की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत 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 यानी माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा
कहते हैं ना, बहुत थिंकिंग करना, रात रात भर जागना, ठीक से नींद नहीं लेना, ठीक है। आप एक अभी फाइनल डिसीजन पर आ गए हो, फाइनल डिसीजन पर आ गए हो, ठीक है। आपको मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यहाँ पर मूव ऑन का कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। यहाँ पर डेफिनेटली डेफिनेटली श्योर यहाँ पर आपकी एक साइकिल खत्म हो के आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी यहाँ पर शुरू हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, जिनसे भी रेजोनेट होती है, ठीक है। आप बहुत ही दिनों से यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, शायद किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, बट अभी आपको यहाँ से निकलने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को सरेंडर किया है भगवान के तरफ, भगवान को पूछा है आपने बार बार, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, वो पर्सन आपके लिए फ्लावर लेके बैठे हैं, ठीक है, यानी आपके लिए आगे यूनिवर्स ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे जाना है। और आप ना आप रूट चक्रा पर काम कर सकते हैं और हार्ट चक्रा पर, ठीक है। आप रूट और हार्ट चक्रा पर की हीलिंग लीजिए, जिससे आपको एक फाइनेंशियल आपकी कंडीशन स्टेबल होगी, ठीक है। यहाँ पर आप जिस चीज़ के साथ में डील कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्लियरली कम्युनिकेशन करके वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक से पढ़ना है। जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी डील करते हो या जॉब के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हो, करियर के लिए जाते हो, जहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट है, जो भी होगा आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, या किसी से, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, उनके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो पहले उनके बारे में जानिए क्या है क्या नहीं है, बाद में ही आप स्टेप्स लीजिए, ठीक है। तो आपके रूट चक्रा और हार्ट चक्रा की आपको बहुत ज़रूरत है हीलिंग की, ठीक है। आप यहाँ पर वो हीलिंग करते हो तो आपके आपके जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन के लिए और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको हिंट्स मिलेंगे, आप वहाँ पर खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है, बहुत सुंदर एनर्जी है, ठीक है। मेडिटेशन करना है, रेस्ट करना है, ठीक है। आपके पास में जो भी नॉलेज है ध्यान रखिए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये पर्सन ऐसे रहते हैं कि आप आगे जाके बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम होने वाले हो, आपके पास में जो भी आप जो डिज़ायर करते हो वो आपको मिलेगा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो प्रेयर कर रहे हो वो आपको मिलेगा, बट द यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वो नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज आप गैदर करके आगे बढ़ रहे हो, आप स्टेप ले रहे हो, जब आपकी एक एक अच्छी पोस्ट हो जाए या आप एक अच्छे एक लीडरशिप के रोल में आ जाए आपके जीवन में, तो ज़रूरी है कि आप दूसरे को शेयर करना, ठीक है, वो नॉलेज आपको शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, जो न्यू जनरेशन आता है, न्यू यंग पर्सन होता है, उनको गाइडलाइन आपके तरफ से मिलेगी, यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर बहुत अच्छी रीडिंग रही है, आपका वीक बहुत अच्छे से जाएगा, बस आपको आपका कम्युनिकेशन क्लियर करना है और आपको जहाँ पर भी जाना है प्लीज़ खुद को ओपन कीजिए, जाइए, आगे बढ़िए, ठीक है, डेयर कीजिए, आपको डेयरिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप वहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपकी ये जो एक आपने जो आज तक स्ट्रगल किया है ना, उसका यहाँ पर आगे आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एनर्जी है और बहुत ही सही यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिली है, ये गाइडलाइन से आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर और डिवाइन के तरफ से आपके लिए मैसेज लेती हूँ कि आपको और डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। फ्रूशन का कार्ड निकला है, ठीक है। यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है कि आपके जो भी ड्रीम्स है, ओके, योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूशन, मीन्स ये आपके कंप्लीट होने वाले हैं, उसका बोल कहते हैं ना कि फ्रूट आने वाले कि आने वाला टाइम आ रहा है, ठीक है।
वही आपका जीवन का फ्रूट का, आपने पेड़ तो लगा लिया, उसको पानी भी डाल दिया, ठीक है, जब फ्रूट खाने का टाइम आ गया लाइक दिस एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर यही आपको गाइडलाइन आ रही है। वाओ ड्रीम्स, ठीक है, आपको दिख रहा है ड्रीम्स, शायद अपोजिट दिखेगा ड्रीम्स, द यूनिवर्सल स्पीक टू यू थ्रो योर ड्रीम्स, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स आपने देखे हैं उसको फॉलो कीजिए, उसके तरफ जाइए, उसके लिए आगे बढ़िए, ठीक है, यही गाइडलाइन आई है। और बहुत ही सुंदर, उनका भी वही कहना है, यूनिवर्स का जो भी, जिनको भी आप मानते हैं इष्ट देवता, जिनको भी आप मानते होंगे, उनका ये कहना है कि आप आपके ड्रीम्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है, उसके लिए आगे बढ़िए, जो भी आपको करना है, जो भी आपको स्टेप लेना है। तो गाइज, मैं यहाँ पर यह रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट्स, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्ते।